गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इट इज क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। टुडे वी आर रीडिंग चैप्टर 10 मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट्स, पौधों का बढ़ना। टुडे टॉपिक इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, बीजों का परकीर्णन, बिखराव। बीज कैसे सारे जगह फैलते हैं। फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड्स कीपिंग देम इनसाइड, फल बीजों की सुरक्षा करते हैं अपने अंदर, उन्हें बीजों को सुरक्षित रखते हैं। बट द मेन फंक्शन ऑफ द फ्रूट इज टू हेल्प द सीड स्प्रेड, लेकिन फलों का उद्देश्य बीजों को फैलाना होता है। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, इसे बीजों का परकीर्णन डिस्पर्सल कहते हैं। डिस्पर्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एंश्योर्स दैट द स्पाइसेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वाइड एरिया। बीजों का परकीर्णन डिस्पर्सल बहुत महत्वपूर्ण है, इससे उस प्रजाति के पौधे सारे दिशाओं में फैल जाते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिस्पर्सल, बीजों के फैलने के कई तरीके होते हैं। फर्स्ट इज बाय डिस्पर्सल बाय विंड्स, हवा के द्वारा। सम फ्लावर्स आर वेरी लाइट सो दैट, कुछ फूल बीज बहुत हल्के होते हैं, इन बीजों पर छोटी छोटी संरचना होती है, जैसे कि आपने देखा होगा गर्मियों में कुछ हवा में रुई सी उड़ती है तो वह बीज भी उसमें लगे होते हैं। दे हैव डेवलप हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट ऑफर एयर रेजिस्टेंस, सो आर दे आर कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड। ये इनके ऊपर बारीक महीन धागे जैसी संरचना होती है जिससे कि ये हवा में टिक जाते हैं और हवा बहने की दिशा में जमीन पर गिरने से पहले ये बहुत दूरी तक चले जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच सीड आर मैपल एंड कॉटन, मैपल और कॉटन के सीड्स भी इसी तरह फैलते हैं। डिस्पर्सल बाय विंड, सॉरी बाय वाटर, पानी के द्वारा डिस्पर्सल यानी फैलाव। द सीड मे आल्सो गेट डिस्पर्सल बाय वाटर, ये पानी में भी बीज बहकर चले जाते हैं। सीड्स ऑफ वाटर प्लांट्स सच एज वाटर लिली मे डेवलप ए स्पंजी आउटर कोट दैट कीप्स द सीड अफ्लोट, जो वाटर प्लांट के बीज होते हैं वे पानी से हल्के होते हैं, उनकी सतह पर स्पंजी संरचना होती है जिससे जैसे वाटर लिली जो उन्हें पानी में तैराते रहते हैं, जिससे कि ये पानी में गिरकर दूर तक चले जाते हैं और कहीं भी अनुकूल स्थान पर पहुंचकर वे नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच सीड आर वाटर लिली, लोटस एंड कोकोनट। वाटर लिली लोटस यानी कमल, कोकोनट यानी नारियल इसके उदाहरण हैं। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, पशुओं के द्वारा परकीर्णन। इन मेनी केसेस द सीड स्टिक टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स पासिंग थ्रू टीनी हुक्स इन देयर कोट एंड ट्रेवल टू ए फार अवे प्लेसेस। कुछ आपने बीज देखे होंगे, उनमें कांटेनुमा संरचना होती है, वे जानवरों के बॉडी पर चिपक जाते हैं और वे उनके साथ दूर तक चले जाते हैं और अनुकूल स्थिति में गिरकर कहीं भी जहां जानवर उन्हें झाड़ देता है तो वे गिरकर वहीं जम जाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि कुछ फ्रूट्स को, फलों को जानवर खाते हैं, बीज समेत खा लेते हैं और उनके जब पोटी में से मिट्टी में
बीज चूके तो निकल जाते हैं और वे मिट्टी में जमकर नया पौधा बना लेते हैं। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एक्सप्लोजन, फटने से बीजों का बिखराव। इन सम प्लांट सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस थ्रू एक्सप्लोजन मैकेनिज्म एम्प्लॉयड बाय द प्लांट इटसेल्फ। कई बार पौधे में से बीज अपने आप प्रक्रिया से फट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा इन केस ऑफ पीस मटर अगर बेल पर लगी रहे तो कुछ समय बाद पकने पर मटर की फली खुल जाती है और उसके बीज अपने आप मिट्टी में गिर जाते हैं और नया पौधा बन जाता है। सो दीज आर द मेथड बाय विच सीड्स डिस्पर्स। ये तरीके हैं जिनसे कि बीज का फैलाव होता है। नाउ नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीजों का अंकुरण, बीजों का जमना। अ सीड कॉन्टेन्स ए प्लांट एम्ब्रियो इन ए रेस्टिंग स्टेज। प्रत्येक बीज में एक पौधा छिपा होता है, ये तो हम सब जानते हैं। जब हम इस बीज को उगाने के लिए नेसेसरी कंडीशन अवेलेबल करते हैं, यानी कि हवा, पानी, मिट्टी, धूप की गर्मी, इन अनुकूल दिशाओं में जाता है, तब यह नमी में पौधा ऑक्सीजन की सहायता से बढ़ने लगता है और कुछ समय बाद उसमें से एक जड़ निकलने लगती है और अंकुरित होकर वह जड़ मिट्टी में चली जाती है और पौधा वो जो बीज होता है वो उस जड़ के ऊपर को उभरने लगता है और कुछ समय बाद उसमें से दो हरी पत्तियां निकल आती हैं और जो बीज है बीज उन पत्तियों को भोजन का काम करता है। जो उसके दोनों दल होते हैं वे पत्ते के रूप में उस पर चिपके रहते हैं और ऊपर हरा पौधा बढ़ता रहता है। नए पौधे को बनने के लिए ये ही दोनों पत्र काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा चने के बीज में, चने में अगर हम उसे तोड़ें तो दो भाग निकलते हैं। जब हम चने को अंकुरित करें अगर हम तो उसमें से जड़ निकलेगी और दोनों डाल के कण वे पौधे को बढ़ने में सहायता करते हैं। इन नेसेसरी कंडीशंस द सीड्स ग्रो टू ए न्यू प्लांट। इस तरह से नए पौधे उग जाते हैं। सो स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एंड राइट योर वर्क इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में वर्क भी करते रहिए और सभी सब्जेक्ट में चेकिंग कराने के लिए स्कूल कैंपस में आते रहिए। एंड वन मेन थिंग, प्लीज डिपॉजिट सम फीस सो दैट योर टीचर्स मे सेंड यू वीडियो, दे इट मे हेल्प टू गिव देम पेमेंट। आप थोड़ी थोड़ी फीस जमा कराएंगे तो आपके टीचर्स को भी पेमेंट मिलता रहेगा थोड़ा थोड़ा, तो इससे उन्हें सहायता रहेगी। अपना काम चेक कराइए और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।